लेते हैं। यहाँ रख दिया है गर्म होने पानी, इसमें डाल दिया मैंने शाही जीरा और लौंग और नमक। और ये देखिए यहाँ पे चावल जो है अच्छी तरीके से धो के आधे घंटे से भीगने में रखे हुए हैं, और एक बार पानी जो है वो खौलने लग जाए उसके बाद हमें इस तरीके से चावलों को इसमें पका लेना है। खौलते हुए पानी में चावल डालने के बाद आपको 5 से 7 मिनट ही उन्हें कुक करना है, उससे ज़्यादा मत कीजिएगा। और उसके बाद इस तरीके से कोई भी ट्रे या परात या कुछ भी हो उसमें खुला खुला आपको इन्हें फैला लेना है ताकि वो खुल जाए अच्छे से। और आइडिया जैसे मैंने अपने पिछले बिरयानी के वक्त बोला था कि चावल को भप्प नहीं होना चाहिए। तो अभी हम जो चिकन है, ये मैंने 2.5 किलो चिकन लिया है विद बोन्स, इसे हम मैरिनेट कर लेंगे। चलिए सबसे पहले हम इसमें डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। तो ये 2.5 किलो चिकन है, 2.5 किलो चिकन के लिए मैं इतना सारा पेस्ट ले रही हूँ। अब हम इसमें डालेंगे मसाले, हमें डालना है इसमें गरम मसाला, ये भी मैं इसमें डालूंगी 2.5 चम्मच के आसपास। फिर हम डालेंगे इसमें नमक, ऑब्वियसली आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालिए, मैं इसमें 2.5 चम्मच जो है नमक डालूंगी। फिर डालेंगे काली मिर्च का पाउडर, ये मैंने 2.5 चम्मच डाला है, लेकिन जो चम्मच है ये छोटा वाला है, तो अगर आप बड़ा चम्मच डालेंगे तो 1.5 चम्मच काफी है, ले रही हूँ। और ये जावित्री के मैंने इतने टुकड़े लिए हैं, इनको हम इसमें हैंड क्रश करके डाल देंगे। और अब मैं इसमें डालूंगी 2 पूरे नींबू का रस। ये जायफल का टुकड़ा पहले इसको पाउडर करते हैं, फिर देखेंगे कितना डालना है, क्योंकि इसकी जो महक और टेस्ट है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। तो जावित्री और जायफल यूज करते हुए ये थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि अगर ये ज्यादा हो जाए तो आपकी जो पूरी डिश है उसमें सिर्फ इसका स्वाद आता है, वो इतना अच्छा नहीं लगता। ऑब्वियसली इसकी प्रोमिनेंस होनी चाहिए, लेकिन इतना ओवर पावरिंग भी ना हो कि और कोई स्वाद खिले ही ना। को मिक्स करके देखेंगे और फिर डिसाइड करेंगे कि और डालना या नहीं डालना। हाथ से मिक्स करने में ना, ये रबर स्पून जैसे मैं बोलती हूं लास्ट में पुल आउट करने के लिए बेस्ट चीज है, मैरिनेशन का मिक्स बढ़िया तरीके से हाथों से ही हो पाता है। कम से कम आधे घंटे के लिए मैरिनेशन आपको एटलीस्ट हाफ एन आवर करना है। अगर आप डालने के लिए जो मसाला बनाना है वो क्या है, देखिए तो ये मैंने जो लिया है ये 2.5 किलो के लिए लिया है। ये है सौंफ जो है 2 बड़े चम्मच, ये है 2 बड़ी इलायची, 2 आप 3 भी ले सकते हैं। तो अगर आप 1 किलो चिकन का बना रहे हैं तो इसी हिसाब से आप प्रोपोर्शन जो है कम कर लीजिएगा, वरना मसाले बहुत तो आपको ज्यादा बिल्कुल नहीं भूनना है, बस हल्का सा सौते करना है जब तक आपको खुशबू आए, उसके बाद इसे तुरंत पीस के जो है बिरयानी में डाल सकते हैं। तो एक बार हमारा जीरा जो है स्प्लैटर हो जाए उसके बाद हम ये स्लाइस्ड अनियन उसमें डाल देंगे और उसे सौते कर लेंगे। मैंने 12 मीडियम साइज के अनियन स्लाइस करवाए हैं, उसमें से मैं इसमें सारे डाल दूंगी, सिर्फ 1/4 जो है वो हम रख लेंगे फ्राई करेंगे, और वो हम बाद में जब दम दे रहे होंगे तब हमारे काम आएगा। और ये हमारा चिकन बहुत ही बढ़िया तरीके से मैरिनेट हो गया है, अब ये हम डाल देंगे इसमें। सोचा कि आज कोई डिफरेंट बिरयानी ट्राई की जाए, जो रेसिपी मैंने देखी थी उसमें मैंने काफी कुछ ट्वीक किया है। सो ये सबसे पहले जैसे कि मैं अपनी वाली जो फर्स्ट वाली बिरयानी उसमें डायरेक्ट नीचे चिकन का लेयर और फिर सीधा चावल डाली थी, पर इसमें ऐसा नहीं, इसमें हम 3 लेयर्स क्रिएट करेंगे, पहले चावल फिर चिकन फिर चावल एंड देन फिर ऊपर से जो भी हमने लाइक सीजनिंग वगैरह भी डाला है। सो ये पतला सा लेयर ज्यादा ठीक नहीं है, अब मैं इसके ऊपर सारा चिकन बिछा दूंगी। स्मेल्स यम। एंड अब ऊपर जो है हम बचे हुए सारे चावल डाल देते हैं और लेयर जो है वो कंप्लीट कर देते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं दीपिका को सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट जो है वो कुकिंग में है, और वो नई नई तरह की डिशेस जो है वो ट्राई करती रहती है, रेसिपी अपने फैंस के साथ शेयर करती रहती है। तो उन्होंने हाल फिलहाल ही जो है बिरयानी बनाई है, हैदराबादी बिरयानी, लेकिन कुछ अलग स्पेशल रेसिपी उन्होंने शेयर की है, क्योंकि वो पहले से जो बनाती थी मसालादार बिरयानी तो उससे अलग हटके उन्होंने ये वाली बिरयानी ट्राई की, और वह सच में बहुत ज़्यादा टेस्टी और डिलीशियस बनी थी, देखने में काफ़ी ज़्यादा टेस्टी लग रही है। तो इस तरह से दीपिका ने जो जो चीज़ें उन्होंने की सभी अपने फैंस के साथ शेयर की। तो अगर आपको भी आज का वीडियो पसंद आया हो गाइस, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दें। हम इसी तरह से आपके लिए इब्राहिम फैमिली से रिलेटेड सभी अपडेट वीडियोस लाते रहेंगे।